गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 3 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। 2 जुलाई को करंट अफेयर्स में डाल नहीं पाई थी, तो इसके लिए 2 और 3 जुलाई को करंट अफेयर जो दोनों का कॉम्बिनेशन है आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। तो देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या इकोनॉमिक्स स्पोर्ट्स में नया हुआ हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि खबरें बहुत सी रहती हैं लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा खबरें ही हमें लर्न करनी होती हैं। इसके अलावा जो व्यूवर्स नए हैं वो पहली बार मेरे चैनल को जो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए देख लेते हैं 2 और 3 जुलाई को क्या हुआ नया। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 36 आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। ऑप्शंस हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वियतनाम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये जो आसियान सम्मेलन हुआ इसका उद्देश्य था कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ भविष्य में सहयोग करना। आसियान समिट का 36वां जो संस्करण है वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये किया गया। अब आसियान की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1967 को, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, और इसके करंट जो महासचिव हैं वो जनरल लिस जॉक होई। अगर हम वियतनाम की यहाँ बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है हनोई, मुद्रा है इसकी दोंग, इसके प्रधानमंत्री हैं ग्यूएन तन जुंग और इसके राष्ट्रपति हैं दुएन फू त्रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 से रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस को मुफ्त में उपचार प्रदान किया जाएगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है मुंबई और इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। लोकसभा में यहाँ 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीटें हैं। नेशनल पार्क यहाँ पर हैं बोरीवली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तबोड़ा नेशनल पार्क, गुग्गामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और तनसा नेशनल पार्क। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे बार्क भी कहा जाता है इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के शहर मुंबई में। हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारिया गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये है जर्मनी के। जर्मन स्ट्राइक ने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए थे और उन्हें अपने समय से सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक माना जाता है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है बर्लिन, इसकी मुद्रा है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं मलावी के नए राष्ट्रपति। इस चुनाव में उन्होंने अपने विपक्षी पीटर मुथारिका को 58.57 मतों से हराया था। अगर हम परीक्षा दृष्टि से बात करें तो मलावी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है लिलोंगवे और यहाँ की मुद्रा है मलावियन कांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये किया है भूटान देश के साथ। भूटान में 600 मेगावाट की खोलोगच्छू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। परीक्षा दृष्टि से हम बात करते हैं तो भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू, भूटान की मुद्रा है भूटानी नेगुल्टम और प्रधानमंत्री हैं लोतोए तेशरिंग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया है। तो ये खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। लाइकेन की रक्षा, संरक्षण और खेती के उद्देश्य से उत्तराखंड वन विभाग जो है वहाँ पिथौरागढ़ जिले के मनुसियारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है और इस लाइकेन पार्क को कवक पार्क भी कहा जाता है। अगर यह उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी है देहरादून और गैरसैंण भी इसकी राजधानी ही है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी के हैं और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। लोकसभा में यहाँ 5 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा की 71 सीटें हैं। नेशनल पार्क है यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। यहाँ पे जो मुख्य झीलें हैं वो हैं नैनीताल झील, दोड़ीताल झील, नंदीकुंड झील
और रूपकुंड झील। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर स्थित है यह भी उत्तराखंड में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने COVID-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों के शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया और ये योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है भोपाल, इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। लोकसभा में यहाँ 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 230 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं जिनमें से मुख्य हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। और जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है बियॉन्से को। बैट अवार्ड एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफ्रीकी अमेरिकियों और अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में यहाँ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में चीन के हुआवे और किस कंपनी पर बैन लगा दिया गया है? तो ये है ZTE। भारत के द्वारा चीन की कई मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अमेरिका ने चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, जिसे FCC भी कहा जाता है, ने इस कंपनियों को खतरनाक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन हैदराबाद, कौन सी जो पहली वैक्सीन है वो हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार की है, तो उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। इस वैक्सीन को ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने मिलकर बनाया है। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है? तो उनका था 65th स्थापना दिवस, मतलब कि 65वां स्थापना दिवस, और बैंक की आने वाले 5 वर्षों में पूरे देश में योनो शाखा खोलने की योजना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो ये इन्होंने अपना 4th संस्करण जारी किया है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को ने हाल ही में अपना ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का 4th संस्करण जारी किया है, जिसमें किताबों में महिलाओं को जहां भी शामिल किया गया है वहां पर पारंपरिक और पुरुषों की तुलना में कम प्रभावी दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कृतिका पांडे है झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य की रांची की 29 ईयर्स की कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया। ये पुरस्कार द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए कृतिका पांडे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये खिलाड़ी हैं प्रवीण तांबे। ये IPL में बैन किए जाने के बाद तांबे विदेशी लीग में खेलने की अनुमति चाहते थे, लेकिन बोर्ड ने इन्हें मना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से निधन हो गया है? तो ये थे 53 ईयर्स के, और ये दिल्ली क्रिकेट के लिए एक जाना पहचाने नाम थे क्योंकि उन्होंने दिल्ली की अंडर-23 टीम के साथ बतौर सहयोगी स्टाफ काम किया था और उनके निधन पर BCCI ने शोक भी जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है? तो ये किया है पाकिस्तानी सेना ने। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। पाकिस्तानी सेना में हाल ही में मेडिकल कोर के साथ संबंध मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो आज की करंट अफेयर यही खत्म होते हैं. होप यू लाइक दिस करंट अफेयर. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच.